भूख की वजह से रोजा तोड़ना, बाज लोगों को रोजे की हालत में भूख की शिद्दत से मेदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबले बर्दाश्त हो जाती है, इनके लिए रोजा छोड़ना या तोड़ने का एक हुक्म बयान फरमा दें। नईम शाकिर मुल्तान से। देखो, भूख की शिद्दत से अगर मेदे में वाकई दर्द तकलीफ और दर्द शुरू हो गया है तो दर्द होना एक बीमारी है, इस दर्द को खत्म करने के लिए वो रोजा तोड़ सकते हैं। लेकिन भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो रोजे का लाजमी जुज्व है। तो कितनी ही शिद्दत हो, कितना ही नाकाबले बर्दाश्त हो जाए, रोजा कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि रोजे का तो हिस्सा है भूख और प्यास का लगना। कम हिम्मत लोग नाकाबले उनको वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो रोजा तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं तो शरीयत उनको हुक्म देती है कि 60 रोजों का कफारा अदा करो। तो नाकाबले बर्दाश्त का मतलब खूब समझ लें, अगर दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है, पेन फिर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो फिर पेन तो पेन है, वो बीमारी है। लेकिन अगर सिर्फ रोजा भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर ये कोई शरी उजर नहीं है, इसमें आप रोजा नहीं तोड़ सकते, रोजा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, नाकाबले बर्दाश्त भूख से आपके मरने का खतरा खुदा ना ख्वास्ता हो गया है, बेहोश होने का खतरा हो गया है, बीमार होने का खतरा हो गया है, तो एक अलग बात है, बीमारी में रोजा तोड़ा जा सकता है।